आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को करेंगे संबोधित। रेलवे परीक्षा के विरोध में बिहार बंद, हाजीपुर समस्तीपुर समेत कई जगह पर प्रदर्शन। खान सर ने यूट्यूब पर छात्रों से की शांति की अपील। विक्रम सिंह मजीठिया आज सुबह 11 बजे अमृतसर से नामांकन करेंगे दाखिल। श्वेता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भगवान को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। आज मुजफ्फरनगर में दाखिल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे और उसको संबोधित भी करेंगे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर बांदा से है, जहां चौथे चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे खरीदे। वहीं सभी 4 विधानसभा सीटों का नामांकन सदर तहसील से किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुका है। हमारी जो बांदा सदर की तहसील है उसी में ही 4 विधानसभाओं के वहीं उनका कार्यालय खोला गया है और वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और वहीं से पर्चे बिक रहे हैं, वहीं पर्चे दाखिल किए जाएंगे। उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस लगी है। हर विधानसभा में एक मजिस्ट्रेट लगाया गया है, एक सीओ लगाया गया है और उसके साथ पूरी फोर्स लगाई गई है। और बाहर की सुरक्षा के लिए हमारे सीनियर पुलिस अफसर और हमारे जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। 2 बैरिकेडिंग है 3 रोडों पर, एक जो डीएम आवास की तरफ से आती है उस पर है, एक कलेक्ट्रेट की तरफ जो आती है उस पर है, एक बस अड्डे की तरफ से आती है। तो 2 एक 100 पर है, एक 200 पर है, 200 मीटर पर। इस तरह से पर्याप्त सुरक्षा की गई है और पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हम पर्चा दाखिल करवाएंगे। बिजनौर में नामांकन के 6ठे दिन सपा रालोद गठबंधन भाजपा समेत कई दलों के 43 उम्मीदवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जहां बिजनौर सदर से भाजपा प्रत्याशी सूची चौधरी ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन के 3 प्रत्याशियों ने धामपुर, नजीबाबाद सीट और चांदपुर से अपना नामांकन पर्चा भरा। जबकि इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्ट्रेट के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। ये विकास के मुद्दे होंगे जो हमारे विकास कार्य रह रहे हैं, हमारे ग्रामीण में शहर में सारे विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं और जो अस्पताल की इस समय हालत है उसका आधुनिकीकरण का मुद्दा रहेगा। यानी कि जो सारे विकास के मुद्दे छूटे हुए हैं वो मैं पूरे कराने का काम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का काम करूँगी, क्योंकि जिला पंचायत में मैं रह चुकी हूँ। मुझे पता है कि क्या लोगों की असुविधा है, क्या उन्हें मतलब चाहिए। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा और महंगाई आज की तारीख में चरम सीमा पर है। जो तेल 50 रुपये लीटर था आज वो 200 रुपये लीटर है, जो पेट्रोल डीजल 55 रुपये 70 रुपये था आज वो 100 रुपये लीटर है। महंगाई आज के दौर की सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे यहाँ विधानसभा, पूरे देश के अंदर महंगाई। देखिए आज जो हमारे चुनाव मुद्दे हैं, प्रियंका दीदी चाहे वो नेटौर हो या हाथरस हो, कोई भी जगह हो, प्रियंका दीदी हर उस मजलूम की मदद कर रही हैं जिसको बीजेपी नुकसान पहुंचा रही है। और हमारे सबसे पहला मुद्दा तो भाईचारे को बढ़ाना है, आपस का जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसे कायम करना है। और कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस लड़ाने की राजनीति नहीं करती। देखिए हमेशा एक सच्चा और जो कांग्रेस पार्टी है वो उन्हीं के सामने बहुबोली विधायकी खड़े होते हैं, तो मैं उनका सहनशीलता के साथ हिंदू मुसलमान को साथ लेके दलित फॉरवर्ड का कोई भेदभाव ना करके मैं इस तरीके से उनका मुकाबला करूंगा और हम इस सीट को जीत के रहेंगे। ये सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। धामपुर विधानसभा की सीट बहुत दिनों के बाद कांग्रेस सीट को जीतने जा रही है। तो यह हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा विकास हमेशा रहा है, लोगों की सुरक्षा, लोगों का स्वास्थ्य, अच्छा सड़कें अच्छी सब और सरकारी योजनाएं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर गरीब व्यक्ति तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का ये हमारा रहता है और वो ये रहेगा। देखिए, हमारा मेन मुद्दा विकास का है और हम लोगों ने विकास का कार्य किया भी है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि वो विकास के लिए, अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए उसने काम किया है। और आपने देखा भी होगा पिछले कई वर्षों में जो भाजपा सरकार ने काम किया है उससे जनता बहुत संतुष्ट भी है। गुंडाराज खत्म हुआ है और विकास की मेरी विधानसभा में बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है। और जबकि हम लोगों ने इसी 5 सालों में कोरोना की महामारी से भी जूझा है, तो इसीलिए मैं हम लोगों का फिर से यही मुद्दा रहेगा कि विकास कार्य हम लोग करवा सकें जिससे हमारी विधानसभा की जनता को लाभ पहुँचे। खबर संभल से है, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद कुरैशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद शकील अहमद ने शहर के कई इलाकों में जाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि सपा के मौजूदा विधायक पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि 30 साल से विधानसभा क्षेत्र बदहाल है, जबकि शहर से लेकर देहात तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। तो मौजूदा विधायक पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आया। उन्होंने ये कहा कि 30 साल से विधानसभा क्षेत्र बदहाल है, जो कि शहर से लेकर देहात तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। बदहाली के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। संभल के अंदर रोडवेज अड्डा नहीं है, संभल के अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं है, संभल के अंदर लॉ कॉलेज नहीं है, इंजीनियर कॉलेज नहीं है। ये सब सुविधाएं देंगे इंशाल्लाह हम, विधायक बनाएगी संभल की जनता। तो और मुद्दे तो हमारे पास विकास के हैंगे ना। 4 साल का विकास 40 साल का भारी है हमारा, जो हमारी बीवी ने किया है। देख लीजिए, संभल के अंदर कोई लाइट ऐसी नहीं है जो कोई खंबा ऐसा नहीं जिस पर LED लाइट नहीं लगा दी हमने। पानी की निकासी की है, चाहे शमशान घाट हो चाहे कब्रिस्तान हो, 80% पानी की निकासी करने का काम किया संभल के अंदर। और जो 20% रह गई वो भी हमारा प्रस्ताव पास हो गए और उसका भी ठेका करने का काम किया। युवाओं के बीच में युवा जानते हैं इस चीज़ को, जिस तरीके से मैं मोहब्बत कर रहा हूँ और जितना मुझे मोहब्बत मिल रही है ये आप भी सोशल मीडिया पे जानते हैं। आप लोग, मैं युवाओं के बीच की बात करता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जब तक सांस में सांस है लोग युवाओं के साथ चलने का काम करेगा। और जो विकास किया है मेरी वालदा ने वो आप सबके सामने है, आप देखिए और सर्वे कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरी विधानसभा के अंदर से आवाज़ आ रही है। संभल जिले की चारों विधानसभा से अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए बहजोई कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां संभल विधानसभा से बसपा और भाजपा, असमोली विधानसभा से बसपा और आम आदमी पार्टी, वहीं चंदौसी विधानसभा से बसपा, सपा और आप प्रत्याशी, जबकि गुन्नौर विधानसभा से भाजपा और बसपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। अलीगढ़ की खैर विधानसभा से कांग्रेस टिकट की दावेदारी सपना पासवान को टिकट नहीं मिलने से वो कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई, जिसके बाद अब सपना पासवान ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने आगामी चुनावों में महिलाओं को टिकट देने में आरक्षण की बात कही थी। टिकट देने के समय किसी महिला को पूछा तक नहीं गया। आगे सपना पासवान ने कहा, कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा के प्रचंड जीत का दावा किया। कांग्रेस हमारा मान सम्मान करती है दलितों का, आप कांग्रेस को वोट दीजिए। तो बंसल जी ने मुझसे भी, मैं बंसल जी से मिल करके मैंने फॉर्म फिल किया था। कौन बंसल? विवेक बंसल जी ने। तो उन्होंने कहा 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। तो बंसल जी ने कहा आप फॉर्म फिल करिए, आप मेहनत करिए, आपको टिकट मिलेगा। तो मैंने 40% के हिसाब से मैंने फॉर्म फिल कर दिया। दीदी ने कहा था, प्रियंका दीदी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन कोई लड़की हूँ लड़ सकती का नारा सारा गलत साबित हुआ है। कोई मतलब नहीं है इस नारे का। और दीदी आपकी पार्टी का पूरा, मैं कह रही हूँ, मैं आपकी पार्टी उठाने चाहती थी, मेरा पूरा दिल में था कि आप आई हैं बन के दलितों की एकदम हितैषी, तो मैं उठाऊँ। लेकिन दीदी आपने ऐसे कार्यकर्ता बना रखे हैं जो आपकी पार्टी को ख़त्म ही है। किसने खत्म किया? ये विवेक बंसल जी ने। खबर सुल्तानपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक अनूप संडा को प्रत्याशी घोषित किया। इस दौरान संडा ने अपने चुनाव कार्यालय पर सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करते हुए भाजपाइयों को निशाने पर लेते हुए शिव तांडव स्त्रोत पढ़ा और भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देते हुए शिव तांडव स्त्रोत को दोहराने की बात भी कही। खबर उन्नाव से है, जहां चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्रों से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। वहीं भाजपा के सदर विधायक पंकज गुप्ता ने साक्षी महाराज के साथ पहुंचकर नामांकन किया, जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक अनिल सिंह ने भी नामांकन कराया। इसके बाद ही 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। विकास कार्य हुए आपके सामने है और माननीय योगी जी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जनता को लाभान्वित करने वाली न जाने कितनी योजनाएं दी गई। जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वातावरण जीतने वाले का आप सबको पता है। रही बात कौन से कार्य ऐसे रह गए हैं, तो कार्य बहुत सारे अभी भी ऐसे रह गए जैसे मोदी जी ने घोषणा की थी और 2024 के पहले होना भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को पानी नल के माध्यम से देना। वो शीघ्र योजना वो चालू होने वाली है और भी समय समय पर कार्य आते रहते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। अभी ट्रांसगंगा सिटी बनी है, उसके रहने वाला एक पुल का निर्माण अभी हम लोग कराने जा रहे हैं। उसके सामने ही एक और कानपुर से उन्नाव के जोड़ने वाले पुल को हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। ऐसे कई सारे काम हैं जिनको आगे भी बढ़ाकर हमारा क्षेत्र पूर्वा 167 है। हम चाहते हैं कि वहाँ का प्रत्येक नागरिक खूब एजुकेटेड हो, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी कराने का, प्लस उसके बाद स्वास्थ्य सेवा की जो कुछ कमियाँ रह गई हैं थोड़ी बहुत, उनको दुरुस्त करके और सुचारू रूप से चलाने का हमारा बहुत दृढ़ निश्चय है कि इस तरीके के काम जो सामाजिक तौर से लोगों को हेल्प करते हैं। तो बाकी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। और वो खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ ब्लॉक संसाधन केंद्र के प्राथमिक विद्यालय रंवापुर तिवारी में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों से महापुरुषों के साथ ही योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत हुई है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो इस क्रम में ऑलरेडी बेसिक शिक्षा अधिकारी को बता दिया गया और उन्हें बोल दिया गया कि शो कॉज नोटिस इशू करें और जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से फिर उसमें कार्रवाई भी आरपी लोक प्रतिनिधित्व जो हमारा एक्ट है उसके तहत जो भी इलेक्शन में आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई भी की जाएगी। बातचीत के लिए संवाददाता रवि जुड़ चुके सिद्धार्थनगर से। रवि, जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही राष्ट्र पर्व का भी मजाक बनाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी, ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2022 का है, जो वीडियो इसका सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के साथ साथ मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर दीपक मीणा ने पीएसए को जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे संवाददाता रवि जुड़े थे। रायबरेली में शराब कांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं धीरेंद्र सिंह के साथ सह आरोपी सेल्समैन राम प्रताप भी पुलिस की गिरफ्त में है। जानकारी के मुताबिक एसओजी ने दोनों को ही हिरासत में ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस दोनों की औपचारिक गिरफ्तारी देखने से पहले पुख्ता सबूत जुटा लेना चाहती है, जिससे मौत के सौदागरों को सख्त सजा दिलाई जा सके। आपको बता दें कि बीती 25 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके रायबरेली से। ओम शंकर, 6 लोगों की मौत और कई लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इस जहरीली शराब से क्या कुछ एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा? जी हाँ, ये कहीं न कहीं एक हृदय विदारक घटना थी, जिसमें कि 6 नहीं अब मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो चुका है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इन लोगों ने जो शराब खरीदी थी, वो शराब जो है वो सरकारी ठेके से खरीदी गई थी। एक विंडीज नामक एक देसी शराब का ब्रांड होता है, इन लोगों ने उस शराब को पिया था एक फंक्शन के दौरान। उसके बाद से 12 घंटे के बाद से इन लोगों की हालत बिगड़ने लगी और एक एक करके लोग जो श्रमिक लोग थे वो काल के गाल में समाते गए। हालांकि पुलिस विभाग जांच में जुटा हुआ है। 9 जो है लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें 6 पुलिस विभाग के हैं और 3 आबकारी विभाग के हैं। ओम शंकर, जिस तरह से सरकारी ठेके से इस तरह की जहरीली शराब लोगों ने खरीद के पी, तो इस ठेके पर क्या कुछ कार्रवाई करी गई है? हाँ, 3 आबकारी विभाग के अधिकारियों को निलंबित की कार्रवाई की गई। मौके पर कमिश्नर जो है रंजन कुमार भी पहुंचे थे, आईजी जो लक्ष्मी सिंह भी स्पॉट पर थी। लेकिन अभी तक मृतक के परिजनों के द्वारा जो मांग करी जा रही मुआवजे की, उसके मांग का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में आक्रोश भी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि घटना होने के बाद जो है वो जिला प्रशासन चेतता है। अगर पहले ये लोग जागरूक हो जाते या शक्ति बरत देते तो हो सकता है ये 11 से जो मौतें हुई हैं इनको रोका जा सकता था। और आपको एक चीज और बता दें कि 30 से ज्यादा लोग अभी भी जिला अस्पताल में भर्ती है, जो जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। जी, मृतकों के परिजनों की क्या मांग है ओम शंकर? मृतकों के परिजनों की ये मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जो है जो लोग खत्म हुए हैं उनके मुआवजे की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। तो जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है, जहां कई लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने की वजह से, और जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई भी की है और कई अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो वहीं परिजनों का कहना है, मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पे कई लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। वहीं अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग भी सक्रिय हो गया है और एक्शन लेता हुआ लगातार नजर आ रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां खैर क्षेत्र में निर्माणाधीन घर में मजदूरी करने आया युवक बिजली का शटडाउन होने से करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद मजदूर को आनन फानन में सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक की मां से थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरा बेटा मशीन चलावे गयो मजदूरी तब उन्होंने आए तारना हटाए बिजली गए। मेरा बेटा मेरा बड़ी करीबी को बेटा हो बेटा लेंटर की मशीन चलाए रहो भैया भैया। हाँ, सवेरे आयो। मेरे गांव का लड़का था, मजदूर लड़का है और बहुत गरीब परिवार से है। माँ विधवा है उसकी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मजदूरी करने यहाँ ये ठेकेदार बुला लाया, कालू नाम है ठेकेदार का, कालू उर्फ सत्यवीर सिंह। और ये इनके यहाँ पे काम चल रहा था, ये चौधरी है महेश चौधरी खैर में तनोब रामवीर सिंह, और इनके यहाँ पे काम चल रहा था। और हमको सूचना बिगड़ लापरवाही से बिजली की लाइन थी, कोई वो नहीं लिया उन्होंने, डाउन नहीं लिया। और उसके लड़के की घायल हो गया, उसके बाद ये अस्पताल लाए होंगे, यहाँ मेरा सब घोषित कर दिया। महेश चौधरी मकान मालिक की लापरवाही के कारण जिसका लेंटर पड़ रहा था जानबूझ के डाउन क्यों नहीं लिया उसने। शहरी जो मकान मालिक है और एक ये ठेकेदार है और एक वो। खबर सहारनपुर से है, जहां दिल्ली रोड जेके ऑर्चिड बैंकेट में चल रही फेयरवेल पार्टी में पुलिस ने छापा मारा, जहां स्कूली बच्चों को हुक्का और शराब सर्व किया जा रहा था। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर बाजार पुलिस ने बैंक्वेट मैनेजर और हुक्का बार के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धार्थनगर जिले की पांचों विधानसभाओं में 6वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कपिलवस्तु विधानसभा की भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही भारत नेपाल की कखरवा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया, जबकि निरीक्षण के बाद बूथों पर मिली कमियों को लेकर अधिकारियों ने तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी और BDO को तत्काल दुरुस्त करने का निर्देश दिया। देखिए, चुनाव के मद्देनज़र मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और जो भी चुनाव प्रक्रिया में लगे हैं कर्मचारी अधिकारीगण, उनके द्वारा भ्रमण किया गया है। क्षेत्रों का जो क्रिटिकल सेंटर्स हैं, वल्नरेबल गांव हैं, उनका भ्रमण किया गया है और लोगों को आश्वस्त किया गया है कि खुल के बिल्कुल अपना चुनाव करें, किसी से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बर्डपुर कस्बे में SSB के साथ में फ्लैग मार्च करके लोगों में सुरक्षा की भावना का एहसास कराया गया है उन्हें। और थाना अध्यक्षों को दोनों जगह के भी आज मोहाना थाना और कपिलवस्तु का भ्रमण किया है। दोनों को निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके के तत्व हैं जिनकी वजह से वहाँ पर संवेदनशीलता बनी हुई है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई और गुंडा एक्ट की कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाए। देखिए, मेरे और कप्तान साहब द्वारा रेगुलर बेसिस पे थाने वाइज जो भी हमारे संवेदनशील बूथ्स हैं उनका भ्रमण हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है और उसी के क्रम में आज मोहाना थाने और कपिलवस्तु थाना के कुछ बूथ्स और बॉर्डर एरियाज़ हमारे द्वारा देखा गया है और पब्लिक से भी बात की गई है। कोई समस्याएं हैं पब्लिक को या कुछ भी है, उन इश्यूज़ पे भी डिस्कस किया गया और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो भी संबंधित अधिकारीगण को दिए गए। तो उसी के क्रम में ये रेगुलर बेसिस पे एक भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी के क्रम में आज यहाँ पे भी तहसील नौगढ़ में हमारे। खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर कस्बे में एक ज्वेलरी शॉप से ग्राहक बनकर आए लोगों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर करीब 3 से 4 लाख के आभूषण पार कर लिए, जबकि ये पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने CCTV की मदद से आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। मैं दुकान पर बैठा हुआ था, एक कस्टमर आया, पहले उसने चांदी के सामान लॉकेट वगैरह देखा, उसके बाद फिर सोने के सामान देखने के लिए उसने मांगा। सामान मैं दिखा रहा था, उसी बीच में उसने हाथ बढ़ाकर अंदर से, हमने देखा नहीं है, उसने एक डिब्बा बॉक्स गायब कर लिया। जब मैं सामान समेट के अंदर रखने लगा तो उसमें एक डिब्बा मुझको कम नजर आया। बाद में जब अपने कैमरे में हमने देखा और तलाशा, डिब्बा तो नहीं मिला, तो कैमरे में हमने देखा तो वो पीछे की पॉकेट में रखा है उसने डिब्बा उठा के और वो बाहर निकल गया है। उस डिब्बे में गले के लॉकेट थे, लगभग अनुमानित 3 से 4 लाख रुपए उसकी कीमत। 112 नंबर पर इन्फॉर्म किया गया, वो लोग आए, उन्होंने लोकेशन देखी हमारी, उसके बाद हमारे कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई उसको देखा, अगल बगल के और कैमरे और दुकानों पर जो कैमरे लगे हुए थे वहाँ देखा उन्होंने, उसको रोड क्रॉस करते हुए कैमरों में नजर आया है, लेकिन वो किधर निकल गया है ये जानकारी नहीं है। वो मास्क लगाए हुए था, कैप लगाए हुए था। पुलिस ने यही बुलाया, पुलिस ने कहा है कि आप आके हमारे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।